1991 से ग्राम पंचायत सरायपाली में हाई स्कूल संचालित है और 2002 में इस गांव में 3 बिल्डिंग वाला एक भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें बाउंड्री वाल न होने से स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्राओं का 2014-15 में साइकिल चोरी हो गया था, जिससे इन बच्चियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये प्रत्येक दिन 7 से 8 किलोमीटर दूर से स्कूल पढ़ने के लिए आती है। बाउंड्री वाल न होने की वजह से स्कूल के प्रांगण से जो है 3-4 रास्ते यहाँ से गुजर रहे हैं। एक ये इंदिरा आवास तरफ के गली से जाती है बीचों बीच शाला भवन के, और जो सामने जस्ट स्कूल के सामने है मार्केट है, पंचायत का जो है कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसके पीछे से जो है यहाँ रोड निकाल दिए हैं शाला प्रांगण के। यहाँ से अनेक गाड़ी मोटर आते रहते हैं, तरह पास में ही सड़क है जिसके कारण बहुत से वाहनों का आना जाना होता रहता है, जिससे हम लोग को अनेक परेशानियाँ उठाना पड़ता है, क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ जो है शाला प्रांगण आता नहीं होने के कारण और पर्याप्त मात्रा में साइकिल स्टैंड नहीं होने के कारण विद्यार्थी जो है साइकिलों को पेड़ वेड़ के नीचे यत्र तत्र छाया वाले जगह में रखते हैं। हमारा साइकिल 1 साल पहले चोरी हो गया था, तो आने में बहुत समस्या हो रही थी। स्कूल से चोरी हुआ था जी। ये जो है बार बार शाला विकास समिति में मीटिंग में बात चर्चा होती है, शाला विकास समिति के द्वारा जो है सतत इसके बारे में बाउंड्री वॉल बन जाए करके प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। क्या चाहते हैं सर? यहाँ बाउंड्री वॉल बन जाता तो स्कूल सुरक्षित रह जाता हर क्षेत्र से। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ के निकला हुआ हूँ, और हमारे साथ भी, हमारे दोस्तों के साथ भी इस प्रकार की दिक्कतें होती थी। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से यह अनुरोध है कि वे वर्तमान कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगाई डी को 07762222103 पर फ़ोन करें ताकि स्कूल अहाता जल्द से जल्द निर्माण हो। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।